सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ रैंक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हेल्थ टॉपिक्स एंड मेडिकल रिलेटेड वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सी दवाइयां बजार में अवेलेबल भी है, आयुर्वेद के अंदर बहुत सी दवाई है। मेरी अगली भी वीडियो आपने देखी होगी जिसके अंदर मैंने एस्ट्रो की जो इम्यूनिटी बूस्टर जो है उसके बारे में बात की है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ पतंजलि की जो गिलोय जूस, ये जो गिलोय इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाता है, यानी कि कोरोना वायरस की कंडीशन में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गिलोय का क्या रोल है आयुर्वेद के अंदर, और ये गिलोय के बारे में सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, साथ में जो पतंजलि की गिलोय जूस है उसका क्या डोज है, किस प्रकार से लेना चाहिए, क्या साइड इफेक्ट्स हो सकती है, सब कुछ इस वीडियो में दोस्तों जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश पटेल और आप देख रहे हैं ट्रेंड चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये मेरे हाथ में पतंजलि का गिलोय स्वर गिलोय जूस, इसको कहा जाता है। दोस्तों, गिलोय के बारे में आपने सुना ही होगा, गिलोय के फायदे जो काफी बहुत से फायदे हैं, ऐसा नहीं है एक बीमारी में इसको दिया जाता है, इसके बहुत से फायदे। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं गिलोय के बारे में। तो दोस्तों, गिलोय का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन ये इसकी पहचान आपको होनी चाहिए गिलोय की। इसको अलग अलग भाषा में इसको अमृता अमृतवल्ली अर्थात कभी न सूखने वाली एक प्रकार की लता इसको कहा जाता है। इसका तना देखने में रस्सी जैसा लगता है, इसके कोमल तन तथा शाखाओं में जड़ें निकलती है। इस पर पीले व हरे रंग के फूल के गुच्छे लगते हैं। इससे पत्ते कोमल तथा पान के आकार के और फल मटर के दाने जैसे होते हैं दोस्तों। और ये जिस इसकी खासियत दोस्तों ये है कि जिस पेड़ पर यह चढ़ती है ये लता, उसी पेड़ के कुछ गुण उसके अंदर आ जाते हैं। इसलिए अगर जो नीम के पेड़ पर अगर ये गिलोय लगता है, गिलोय की लता अगर उस पर चढ़ती है तो काफी अच्छा, उसके अगर पत्ते या फिर एक्स्ट्रा उसके अंदर लेते हैं तो नीम के गुण भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो जिसके मतलब जिस पेड़ पर यह लता लगती है तो उसके गुण इसके अंदर आ जाते हैं, तो काफी फायदा होता है। अगर नीम के पेड़ पर लगती है तो काफी फायदेमंद हो सकती है दोस्तों। और दोस्तों, आयुर्वेद के अंदर से इसको एक प्रकार का रसायन माना गया है। इसके अंदर आयुर्वेद के ग्रंथों में भी इसके बहुत से फायदे बताए गए दोस्तों। इसके स्वाद में देखे तो दोस्तों, गिलोय के पत्ते के स्वाद में कसेले, कड़वे और तीखे होते हैं। गिलोय का उपयोग देखे तो दोस्तों वात पित्त और कफ को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। इससे इनसे भूख भी बढ़ती है, साथ में आंखों के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। आप गिलोय के इस्तेमाल से प्यास, जलन, डायबिटीज, कुष्ठ रोग या फिर पीलिया रोग में भी ये लाभदायक होता है। साथ में दोस्तों, ये एक वीर्य और बुद्धि बढ़ाता है, और ये खास जो फीवर अगर है शरीर के अंदर किसी भी वायरल इन्फेक्शन के अंदर, तो फीवर को भी कम करता है। अगर वॉमिट हो रही है तो उसे भी कंट्रोल करता है। हिचकी अगर किसी को आती है, बार बार हिचकी की शिकायत करता है, कभी कभी किसी को हिचकी रुकती नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में भी गिलोय काम करता है। बवासीर के अंदर टीबी या फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि मूत्र के अगर कोई बीमारी है, जलन होती है पेशाब में, तो भी ये फायदा कर सकता है। साथ में महिलाओं की शारीरिक कमजोरी की स्थिति में भी ये काफी फायदेमंद कर सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से गिलोय के काफी फायदे हैं। तो ये अगर ये सब जो मैंने बताया है तो इसके अंदर ये फायदा करता है, तो डेफिनेटली जो आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, इसके अंदर ऐसे गुण है जो इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो गिलोय के पत्ते, तो आप देख सकते हैं मैंने बताया इस प्रकार से पान के जो पत्ते होते हैं इसके आकार के होते हैं। इसके फायदे भी बहुत बताए मैंने, इस प्रकार से आंखों के लिए हो या फिर कान की बीमारी हो, हिचकी के लिए, टीबी के रोगों के, टीबी के जो पेशेंट है उसको भी काफी रिकवरी करने के लिए काफी फायदेमंद होता है। उसके अलावा दोस्तों, कब्ज का अगर किसी को प्रॉब्लम है तो भी ये फायदा कर सकता है गिलोय का। पीलिया जो अगर आयरन की कमी है हीमोग्लोबिन की, तो भी इसके अंदर ये काम कर सकता है। बवासीर की प्रॉब्लम है, लीवर की अगर प्रॉब्लम है तो भी ये काम करता है। इसके अलावा दोस्तों, डायबिटीज को भी ये कंट्रोल करता है। तो डायबिटीज की अगर शुगर है तो शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने में काफी फायदेमंद है गिलोय। तो गठिया रोग में भी एक फायदेमंद है, यानी कि किसी को जो बार बार जो घुटने में दर्द होता है, आर्थराइटिस की शिकायत है उम्र के साथ जो होती है, तो उसके अंदर भी काफी फायदेमंद है। साथ में दोस्तों, हाथी पांव जिसे फाइलेरिया कहा जाता है, हाथी पांव की जो प्रॉब्लम होती है साउथ इंडिया में आपने देखा होगा ये प्रॉब्लम होती है, तो उसको भी ये फायदा कर सकता है इसके अंदर भी। तो इस प्रकार से दोस्तों देखें तो गिलोय के बहुत से बेनिफिट्स हैं दोस्तों इसके अंदर। तो आज की कंडीशन में अगर दोस्तों बात करें, जो आजकल जो गिलोय के जो कोरोना वायरस की कंडीशन में देखें, तो दोस्तों कोरोना वायरस के अंदर जो आपकी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो कमजोर होती है, तो इसके अंदर ये फायदा करता है, किडनी को भी फायदा करता है ये, तो और आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। तो इस प्रकार से इनडायरेक्टली आपको जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोरोना वायरस जैसे किसी भी वायरस से लड़ने के लिए आपको ये काफी फायदा कर सकता है आयुर्वेद के अंदर।
तो आपने देखा होगा बाबा रामदेव केंद्र भी, जो पतंजलि विद्यापीठ के अंदर जो बाबा रामदेव ने एक मेडिसिन अभी बनाई है, जो आयुर्वेद के अंदर जो दावा करते हैं कोरोना वायरस को मात करने का, तो उसके अंदर उसने भी गिलोय का, तुलसी का इस्तेमाल किया है। तो इस प्रकार से गिलोय काफी फायदेमंद है कोरोना वायरस की कंडीशन में, कोरोना को ठीक करने के लिए या फिर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, उनसे एक प्रकार की इम्यूनिटी पैदा करने के लिए शरीर में काफी फायदेमंद है। तो दोस्तों देख सकते हैं, मैंने आपको गिलोय के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दी है। दोस्तों अब बात करते हैं, जो 500 ml की बोतल आती है पतंजलि का जो गिलोय जूस है, जिसकी MRP 90 रुपये है, आपको 90 रुपये आपको पतंजलि स्टोर या फिर ऑनलाइन या फिर आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर आपको मिल सकता है दोस्तों। चलिए बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मेंशन किया गया है दोस्तों, देख सकते हैं आप, 15 से 20 ml दिन में 2 बार। आपको जितना भी 15 ml अगर ये जूस लेते हो तो 15 ml आपको पानी लेना है इसको, सेम जितना भी ये लेते हैं उतना पानी सेम लेकर उसको मिक्स करने के बाद सुबह शाम इसको पीना है। इक्वल क्वांटिटी आपको लेना है वाटर की, इस प्रकार से सुबह शाम ले सकते हैं। अगर बच्चे हैं तो इसको 10 ml सुबह शाम ले सकते हैं, बड़े हैं तो 15 से 20 ml तक आप इसको सुबह शाम पानी के मिक्स पानी के साथ इसको यूज़ किया जा सकता है। इसको जब भी यूज़ करें तब पूरा हिलाने के बाद यूज़ करें, सेक्वल बिफोर यूज़ यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको दोस्तों गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इसकी साइड इफेक्ट्स क्या हो सकती है, दोस्तों ज़्यादातर इसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हो सकती है, लेकिन अगर कोई डायबिटीज़ का, अगर किसी को शुगर कम है तो हो सकता है इसके अंदर शुगर लेवल को कम करता है, तो उसको काफ़ी इस मतलब हाइपोग्लाइसेमिक की कंडीशन भी हो सकती है इसकी, इस प्रकार से। तो जिसको भी शुगर मतलब कम रहता है तो इसका ऐसी कंडीशन में इसको नहीं लेना चाहिए उसको, या फिर अगर कोई गर्भावस्था है यानी कि कोई महिला प्रेग्नेंट है तो इसका सेवन नहीं करना चाहिए, या फिर अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें, क्योंकि ये थोड़ा गर्म प्रकृति का हो सकता है, तो जो महिला प्रेगनेंसी में जो है उसको नहीं लेना है बिल्कुल। बाकी इसकी कोई शिकायत नहीं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको गिलोय के बारे में पूरी जानकारी दी। यहाँ देख सकते हैं गिलोय पतंजलि का काफ़ी इफेक्टिव, और पतंजलि की प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी की हम गारंटी ले सकते हैं क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको गिलोय के बारे में पूरी जानकारी दी है। कुछ कॉमेंट है तो कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के नीचे दिए गए थंब बटन पर क्लिक करके इसे लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें किसी भी एक व्हाट्सएप ग्रुप पर, इसे आप शेयर कर सकते हैं ताकि आपके रिलेटिव या आपके दोस्त इस वीडियो को देखकर कुछ जान सके, कुछ सीख सके, और हमारे चैनल के साथ बने रहे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे कभी मिस न हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए।